नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल दावते दोस्त में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जी हाँ, वो बहुत ही फेमस वेस्ट बंगाल का स्ट्रीट फूड है, जो बहुत ही लोग वहाँ पे चाव से पसंद करते हैं, बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे एग रोल। तो एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले जो होता है, हम डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक कप पहले से ही मैदा ले लिया है और एक कप मैं और लूंगी, तो मैं दो कप मैदा का यूज करूंगी। इसमें आपके तीन से चार एग रोल आसानी से बन जाएंगे। तो पहले हम डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए मैंने मैदा ले लिया दो कप। इसमें मैं दो बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी, कोई सा भी ऑयल ले ले, बेसिकली रिफाइंड ऑयल या घी या बटर भी ले सकते हैं। लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। डो लगाने के लिए मैंने एक कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स करेंगे और जितना जरूरत है उतना ही डालेंगे। बिल्कुल डो ऐसे ही लगाना है इसको अच्छे से, जैसे रोटी के हम लगाते हैं वैसे ही लगाना है। देखिए आधा कप से थोड़ा सा पानी ज्यादा लगा है। इस तरह मलते हुए इसे पांच मिनट में आपका दो बहुत अच्छा सा रेडी हो जा रहा है। मलते हुए इसको थोड़ा सा, ये देखिए दो बहुत अच्छे से रेडी हो गया। अब इसमें हम ऊपर थोड़ा सा तेल, ऐसे लगा के इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ देंगे और 5 मिनट बाद फिर हम इसे बनाएंगे। देखिए दो हमारा रेडी हो गया है। इसको और एक बार अच्छे से मिलाना है। बहुत ही खूबसूरत चिकना डो लग गया है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने इसमें बनाने हैं। अगर छोटे लोइए के बनाने हो तो छोटा लोइया भी ले सकते हैं, मीडियम बनाना हो तो मीडियम भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम ले रही हूँ ताकि इसमें चार एग रोल आसानी से बन सके, मैंने ले लिया। तो पहले हम गैस पे तवा चढ़ा देते हैं। और हम पहले इसके लिए रोटियां बेल लेंगे। चारों गोले एक साथ रेडी करके रख लेती हूँ। पहले रोटियां हम सेक के रख लेंगे। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अभी बहुत सारे रेसिपीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे चैनल का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, दावते दोस्त। फिर हम थोड़ा सा इसमें तेल लेंगे, फिर बेलना स्टार्ट करेंगे। फिर आप तेल के सहारे आराम से बेल सकते हो। आप सभी भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए, खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह हम दूसरा भी बेल लेंगे।
रहे इस तरह, इसको ज्यादा नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए कि बस इतना सिका हुआ है, अब आप इसको पलट दीजिए। सबका किचन का एक अपना बनाने का तरीका होता है, सबके किचन का एक अपना स्वाद होता है। तो आप मेरी रेसिपी मेरी स्टाइल में आप ट्राई कीजिए, देखिए कैसा बनता है, और अपने लाइक्स कमेंट्स डालिए, बताइए, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। इस तरह से करके हम ये उतार लेंगे, इसी तरह फिर ये दूसरा भी डालेंगे। देखिए मैंने चार रोटियाँ इस तरह से सेक के रेडी करके रख ली है। अब जो है चलिए देखते हैं अब आगे का प्रोसेस क्या है। तो हम यहाँ पे एक अंडा लेंगे, बिल्कुल पिंच भर आपको सॉल्ट लेना है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, देखिए ब्लैक पेपर थोड़ा सा, और इसको अच्छे से फेंटना है। आप चाहे तो डबल अंडा का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही यूज कर रही हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे, और देन इसके बाद थोड़ा सा अभी अंडा का ऑमलेट, ये जो दिख रहा है आपका, ये ड्राई होने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो ज़्यादा जो पका हुआ है, ये जो ज़्यादा पका हुआ है, उसको हमें नीचे की तरफ रखना है, नीचे की तरफ रखना है, और थोड़ा सा इसको प्रेस करते हुए इसमें इसको चिपकाना है, जो ज़्यादा पका हुआ है नीचे की तरफ रखना है। ऐसे करते हुए अब आँच को मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए, थोड़ा सा काले जाएगा। इस तरह से आपको धीमे धीमे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। अगर आपको ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं है तो आप कम पकाएं। इस तरह दबाते हुए कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से प्लेट में ले ले। इसी तरह हम दूसरा भी रेडी करेंगे। देख सकते हैं कि अब ये रेडी हो चुका है, अब हम इसके स्टफिंग करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि मैंने ये इस शेप में बारीक बारीक ये कैबेज थोड़ा सा काट लिया है, ये ऑनियन है, और ये कुकुम्बर खीरा है, और ये कैरेट मैंने काट लिया है, ये बीटरूट है, ये लेमन है, और ये कि अब ये रेडी हो चुका है, अब हम इसके स्टफिंग करेंगे।
तो ये देख रहे हैं कि मैंने ये इस शेप में बारीक बारीक ये कैबेज थोड़ा सा काट लिया है, ये ऑनियन है और ये कुकुम्बर खीरा है और ये कैरेट मैंने काट लिया है, ये बीटरूट है, ये लेमन है और ये हरी मिर्च है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इस तरह से सजाते हुए सारी चीजों को इसी तरह आप और भी अलग टाइप के स्टफ रेडी करके आप रोल्स बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च बिल्कुल डाला, खीरा डाला और ये मैंने ढेर सारा प्याज डाला। ये स्टफिंग ऐसा होना चाहिए कि मुंह में जाए, तो बिल्कुल जब आप बाइट काटे तो पूरे भर के मुंह में आना चाहिए। इस तरह से हमने डाला। इसके हम थोड़ा बिल्कुल काला नमक थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे स्प्रिंकल करना है, काला नमक ये जो है थोड़ा सा ये स्प्रिंकल करना है। एंड देन ये रेड चिली सॉस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। एंड नाउ टोमेटो केचप, फ्रेंड्स आप डेली डेली बाहर तो खाते ही, कभी घर पे भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही खुश होंगे आपके घर वाले। जी हाँ, ये आपका रेडी हो गया। अभी हम हाँ लेमन, सॉरी मैं लेमन डालना भूल गई, तो ये लेमन के अब इसका यूज कर सकते हैं, थोड़े से नींबू के दो चार बूंद। बिल्कुल इसको दबाते हुए और इस तरह से रेडी कर लें। जी हाँ, बंगाली स्टाइल में एग रोल रेसिपी जो है रेडी हो गया है, सर्व करने के लिए खाने के लिए तैयार है।